साइन ऑफ ए प्लस साइन ऑफ बी, ठीक है चलो मैं प्रॉपर लिखा ए प्लस डी। अच्छा ए पी का पता थानू ए पी क्यों होंगे, पहली टर्म अगली मतलब सैकेंड माइनस फर्स्ट का डिफरेंस सेम होंगे, थर्ड माइनस जिहड़ा सैकेंड का डिफरेंस सेम होंगे। तो अगर मैं एवें लिखा सीरीज होगी इदा दी साइन ए प्लस साइन बी प्लस साइन सी एंड सो ऑन, लेट्स से साइन ऑफ वट एवर लेट्स से अल्फा, वेयर वेयर लिख लो द एंगल्स ए बी सी अप टू अल्फा आर इन ए पी, ठीक है डिफरेंस सेम होएगा विद कॉमन डिफरेंस लेट्स से डी, कॉमन डिफरेंस डी एंड आज ख्याल करना एंड द नंबर ऑफ टर्म ऑफ दिस ए पी आर इक्वल टू एन, ठीक है मतलब साइन दिया इदा सीरीज है प्लस है बेटे पहली टर्म जमा दूजी एंड सो ऑन, ये एंगल है पुत्र ए ए पी च डिफरेंस सेम होएगा और नंबर ऑफ टर्म्स एन है, कॉमन डिफरेंस जेडे ए पी का है वो डी है, तो जी आ वाली सीरीज है पुत्र यदा जो सम है यदा फॉर्मूला लिख लो सीधा दैट विल बी इक्वल टू दिस सम विल बी इक्वल टू साइन ऑफ एन इंटू डी बाय टू डिवाइड बाय साइन ऑफ डी बाय टू इंटू साइन ऑफ, अच्छा पहला एंगल किहड़ा सी पुत्र ए, लास्ट एंगल सी अल्फा, सो दैट इज़ फस्ट एंगल प्लस लास्ट एंगल बाय टू, सो इन्हें इदा भी लिख लो दैट इज़ फस्ट एंगल प्लस लास्ट एंगल बाय टू ए अंदर आवल, सो ये पूरी जी सीरीज़ है ये श्रिंक होकर आ तीन टर्म्स आ जाएगी, ठीक है केड़ी केड़ी है वंस अगेन दिस सीरीज इक्वल टू साइन ऑफ एन इंटू डी बाय टू, ठीक है डिवाइड बाय साइन ऑफ डी बाय टू इंटू साइन ऑफ फस्ट एंगल प्लस लास्ट एंगल बाय टू, ठीक है कद लानी है साइन का सम होवे जिहड़े एंगल है अंदर किच होने चाहिए है ए पी च होने चाहिए है एन नंबर ऑफ टर्म डी कॉमन डिफरेंस, ठीक है एट द सैकेंड फॉर्मूला लिख लो कॉस द कॉस द फॉर्मूला लिख लो अभी दोनों एज एज ए टोल्ड यू ड्राइव में लास्ट करा देंगे वेरी सिंपल डेरिवेशन, ठीक है सो कॉस ए प्लस कॉस बी प्लस कॉस सी अप टू कॉस ऑफ लेट्स से अल्फा वेयर नंबर ऑफ टर्म्स आर एन, ठीक है कॉमन डिफरेंस इज डी, दैन सम बेटे का बिल्कुल सेम है एक फर्क है जिहड़ी आ लास्ट टर्म है ना साइन दी एदी जगह कॉस आएगा बस बाकी सारा सेम है, ठीक है इत्थे दोनों साइन दी टर्म ते आ कॉस आएगा बस, ठीक है फॉर्मूला लर्न कर लो क्वेश्चन में करा देना, ठीक है सो लेट अस डू सम प्रॉब्लम, जिम्मे देखो मैं करा कि चलो एक वैसे जस्ट अप्लाई करिए साइन 5 डिग्री साइन 10 डिग्री साइन 15 डिग्री अप टू साइन लेट्स से 85 डिग्रीज, कहना जी आ सम लो तो पहला तो नज़र आ रहा साइन 5 10 15 ए पी है, ठीक है और कॉमन डिफरेंस कितना है बेटे 10 माइनस डिग्री खिसक गई इतने आनी डिग्री, ठीक है 10 माइनस 5 दैट इज़ 5 डिग्री, नंबर ऑफ टर्म आई मीन यू कैन जे चलो ये तो इतों सीधिया भी नज़र आ रही ना हो ना तो ए पी का फॉर्मूला ला लिया करो, मतलब जिनी आ ए पी ना 5 10 15 तो कि 85 ए पी दी है लास्ट टर्म पता है सो ए पी का फॉर्मूला पता है कि लास्ट टर्म इज इक्वल टू हाँ जी ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, सो उत्तों तुम कॉमन डिफ सॉरी नंबर ऑफ टर्म्स कर लो सो लास्ट टर्म इज इक्वल टू, ठीक है ए 5 है फर्स्ट टर्म एन माइनस 1 इंटू डी डी कि बेटे 5 सो देयरफॉर 85 इज इक्वल टू 5 प्लस 5n माइनस 5 समझ आ रही गल, सो आई गैस इतों तुम सीधा एन की वैल्यू कड़ लो, ठीक है सो एन आ गया थोड़े को हूँ बचा की थोड़े को, ठीक है रह गया हूँ फॉर्मूला लाना तो फॉर्मूला ला दिए सो डी पता लग गया, ठीक है एन कितना हो गया 85 बाय 5 17 सो नंबर ऑफ टर्म आ गई साढ़े को डी आ गया फिर रह गया फॉर्मूला लाना, ठीक है सो लेट अस अप्लाई दी फॉर्मूला, सो क्योंकि साइन दी सीरीज है दैट इज इक्वल टू साइन ऑफ एन इंटू डी बाय टू 17 इंटू
फाइव बाई टू डिग्रीज है सारे, डिवाइड बाय साइन ऑफ डी बाय टू इंटू साइन ऑफ फर्स्ट एंगल प्लस लास्ट एंगल बाय टू। 85 प्लस 5 90 बाय टू 45। ठीक है, सो साइन 45 दी वैल्यू 1/√2। तो बाकी एहोजी फॉर्म थोड़ा आंसर आ गया। दैट डिपेंड्स कि ऑप्शन के हो जाए पूछे, मतलब परपज़ की है थोड़ी सीरीज द समेशन तुम इदा कर लिया साइन का भी तो कॉस का भी। ठीक है, अच्छा एक नोट लिख लो इतों ही, राइट डाउन द नोट के इफ वी हैव सम ऑफ कॉस स्क्वेयर थीटास और सम ऑफ साइन स्क्वेयर थीटास। नाउ व्हाट आई मीन टू से, आ फॉर्मूला सेगा इच स्क्वेयर नहीं सी, पावर किन्नी सी 1 सी। वो कहता अगर स्क्वेयर होवे फिर की करना, सानू तो फॉर्मूला 1 पावर का पता है, तो जे स्क्वेयर होवे तो फिर की करो, दैन यूज़ द आइडेंटिटीज केड़ियाँ कि टू कॉस स्क्वेयर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस कॉस 2 थीटा एंड टू साइन स्क्वेयर थीटा इज 1 माइनस कॉस 2 थीटा। लिख लो, दैन यूज दीज टू आइडेंटिटीज, जिमें कॉस स्क्वेयर थीटा की वैल्यू कितनी आएगी 1 प्लस कॉस 2 थीटा बाय 2। तो इधर पावर 2 सी, इधर पावर कितनी है 1, और पावर 1 ऊपर आप पढ़िया फॉर्मूला। दैन यूज दीज टू फॉर्मूलाज टू डू वट, टू रिड्यूज इन टू अबव फॉर्मूलेस। ठीक है, तो अगे तो स्क्वायर हो वाला वर दो, कि थोड़ी पावर 2 तो 1 तो आ जाएगी, आंसर आ जाएगा। मैं क्वेश्चन थोड़ा नहीं करा दिना, ठीक है, बट पहला मैं एक दो इलस्ट्रेशन होर देगा। जिमें आ देखो, इफ आई से के कॉस ऑफ पाई बाय 11, कॉस ऑफ 2 पाई बाय 11, कॉस ऑफ 3 पाई बाय 11 अप टू कॉस ऑफ 10 पाई बाय 11, कहता सम लो। तो ठीक है, पहले तो देखो कि इज इट डज इट फिट आर रिक्वायरमेंट, एंगल है डिफरेंस किन्ना, 2 पाई बाय 11 माइनस पाई बाय 11 पाई बाय 11, 3 पाई बाय 11 माइनस 2 पाई बाय 11 पाई बाय 11, तो कॉमन डिफरेंस किन्ना है पाई बाय 11। नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है इतने तो गिनिया जा रही हैं, 1 पाई बाय 11, 2, 3, 4 अप टू कित तक है 10 तक है, 1 तो लैके 10 तक नंबर ऑफ टर्म कितनी है बेटे 10। तो फॉर्मूला ला दी, हाँ जी, कितना होएगा साइन ऑफ की होगा पुत्र, साइन ऑफ, क्योंकि भावें कॉस दी सीरीज है, लास्ट टर्म ते कॉस आएगा, हाँ जी, एन इंटू डी बाय 2 पाई बाय 11 बाय 2 डिवाइड बाय साइन ऑफ डी बाय 2 कला पाई बाय 11 बाय 2 इंटू कॉस ऑफ फर्स्ट एंगल प्लस लास्ट एंगल, कितना आ गया पाई बाय 11 फर्स्ट एंगल प्लस लास्ट एंगल बाय 2 ए प्लस एल बाय 2। ठीक है, सो कितना आ गया पाई बाय 11 प्लस 10 पाई बाय 11, कितना आ गया 11 पाई बाय 11 बाय 2, तो 11 ना 11 कटेगा, कितना आ गया पाई बाय 2, ए फर्स्ट प्लस लास्ट एंगल बाय 2। आई गेस प्रॉब्लम इज ओवर, बिकॉज कॉस पाई बाय 2 कॉस 90 जीरो, इन्ना मल्टीप्लाई होके आंसर जीरो आ जाएगा, बिकॉज डिनोमिनेटर नॉन जीरो नंबर है, डिफाइंड है। ठीक है, और अगर याद हो तो ये पहला भी कर चुके हैं, वो याद है कि नहीं, फिर सम जब आप कहें एंगल अननोन होने तो की करता, पहले तो लास्ट का सम चैक करो, दूजे तो ला सैकेंड लास्ट का, उदा भी करा तो फिर भी आ जाएगा। सो ये ईजी मैथड है। ठीक है, सो इस तरह लैस टू मोर प्रॉब्लम्स। ठीक है, चलो आई गया अगे, कहता जी साइन पाई बाय एन 3 पाई बाय एन 5 पाई बाय एन, हाँ डिफरेंस कितना है 3 पाई बाय एन माइनस पाई बाय एन 2 पाई बाय एन, इधर भी 2 पाई बाय एन, तो यहाँ मतलब आ तो डी हो गया, एन तो उन्हें देता नंबर ऑफ टर्म्स एन है। ठीक है, सो साइन दी सीरीज है, फॉर्मूला क्या आएगा साइन ऑफ फर्स्ट एंगल, सॉरी एन इंटू डी बाय 2, एन इंटू डी बाय 2, डी कितना है 2 पाई बाय एन बाय 2 डिवाइड बाय साइन ऑफ डी बाय 2, 2 पाई बाय एन डिवाइड बाय 2 इंटू साइन ऑफ फर्स्ट एंगल पाई बाय एन प्लस लास्ट एंगल जिहड़ा नहीं पता डिवाइड बाय 2। ठीक है, लास्ट एंगल कढ़ लैंदे, व्हाट इज लास्ट एंगल, लास्ट एंगल बेटे आड़ी सीरीज आ ए पी चलती पई। ठीक है, केड़ी सीरीज पाई बाय एन 3 पाई बाय एन
फाइव पाई बाय एन, एस ई ए पी दी एंथ टर्म कर लो, ठीक है, एस ए पी दी एंथ टर्म, सो एंथ टर्म की होएगी विच इज नथिंग बट द लास्ट टर्म, वो होएगी ए प्लस ए पी द फॉर्मूला होता है ए प्लस एंथ टर्म द एन माइनस वन इन टू डी। सो ए के लिए फर्स्ट टर्म फाइव बाय एन प्लस नंबर ऑफ टर्म्स एन माइनस वन, डी किन्ना पुत्र टू पाई बाय एन, आ साढ़े को लास्ट टर्म आ जाएगी, ठीक है। सो विच कम्स आउट टू बी वट, चलो इतने रख दिया वाली लास्ट टर्म फाइव बाय एन प्लस एन माइनस वन इंटू टू पाई बाय एन, ठीक है, फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म बाय टू। बेटे गल समझ आ गई है? तो आई गेस नाउ वी आर इन द पोजिशन दैट वी कैन सिंपलीफाई, की कटिया गया इतों एन ना एन टू ना टू साइन पाए, कहानी खत्म होगी, वाई वी कैलकुलेट दैट बिकॉज आ नज़रिया आ रहा साइन पाए किन्ना है जीरो, ठीक है, वैसे लोड़ नहीं सी आप एवें मेहनत करी गए, ठीक है, ठीक है, बिकॉज साइन पाए जीरो आ नॉन जीरो नंबर आ, ठीक है, तो आंसर साढ़ा जीरो आ गया, ठीक है। चलो आ कर दें समेशन कॉस स्क्वेयर, तो हमने दस्या जे कॉस स्क्वेयर की टर्म हो, ठीक है, समेशन ऑफ कॉस स्क्वेयर हो या साइन स्क्वेयर हो तो की करीदा, वो फॉर्मूला ला दो, टू ना मल्टीप्लाई कर दो, टू ना डिवाइड, सो दैट इज हाफ समेशन, वट इज टू कॉस स्क्वेयर थीटा, वन प्लस कॉस टू थीटा, टू आर पाए बाय एन, ए फॉर्मूला लाता उन्ना की होया पावर दो तो वन ते आ गई, हुण समेशन खोल दो, आर इक्वल टू वन टू एन माइनस वन, आ समझ आना चाहिए बेटे समेशन किवें करना उत्ते बाद चाहने। अच्छा वो बाद की करना है हाफ, ओके इफ यू सी मैं तुसी समेशन दियां प्रॉपर्टियां देखो जे ते सीरीज़ पढ़िया हुंदा फिर ते मैं इनू अलग अलग कर देना सी, हुण हाले चलो नहीं पढ़िया ते पहला आर दी वैल्यू वन पुट करो, तो पहली टर्म की आएगी वन प्लस, हाँ जी इत्थे कॉस ऑफ, हाँ जी टू पाई बाय एन, फिर आर दी वैल्यू टू पुट करोगे, वन का तो वन ही रहेगा ना, आर जो मर्जी हो, सो वन प्लस कॉस ऑफ, हाँ जी आर दी वैल्यू टू, टू टू फोर पाई बाय एन, ठीक है, ऐदें चलता रहेगा, वन प्लस कॉस ऑफ कित तक जाएगा बेटे एन माइनस वन तक आर दी वैल्यू, सो कॉस ऑफ टू इंटू एन माइनस वन पाई बाय एन। सीरीज़ पढ़ लोगे ना तो यार ये कन्वेंशन या समेशन समूशन होर कंफर्टेबल हो जाए। अच्छा पहले इतों देखो नंबर ऑफ टर्म कि एक तो लैके एन माइनस वन तक, सो नंबर ऑफ टर्म्स आर एन माइनस वन, सो नंबर ऑफ टर्म्स आर वट एन माइनस वन। अच्छा जिम्मे देखो हम कि मतलब जिन्या नंबर ऑफ टर्म है उन्निया ब्रैकेट सुनिया, ठीक है। अच्छा हूँ एक पहला तो आडड कर लिए वन प्लस वन प्लस वन, एक कि बार वन आएगा जिन्या ब्रैकेट्स है, किनिया ब्रैकेट्स है एन माइनस वन, तो यह सम आ जाएगा पहले पहले का एन माइनस वन, समझा दो जो मतलब तीन ब्रैकेट होंगे तो वन प्लस वन थ्री आने, चार ब्रैकेट है चार, सो नंबर ऑफ ब्रैकेट्स एन माइनस वन है, तो यह मतलब वन प्लस वन करके यद आंसर आ जाएगा एन माइनस वन प्लस, फिर की बन गया थोड़े को फिर आ कॉस वाली समेशन बच जाएगी जी आप हूँ कैलकुलेट करा, ठीक है ना, पावर टू तो वन तो आ गई ना पुत्र, फोर पाई बाय एन एंड अप टू कॉस ऑफ टू एन माइनस वन पाई बाय एन। सो आई गेस वी आर ऑलमोस्ट देयर टू अप्लाई द फॉर्मूला, लेट्स अप्लाई द फॉर्मूला, ओके एन उत्ते प्यार रहने दो, हाफ भी इदा ही रहेगा, एन माइनस वन भी आ सीरीज आ गई, कॉस दी सीरीज है, ठीक है, नंबर ऑफ टर्म्स किनिया है एन माइनस वन, कॉमन डिफरेंस कर लो कि है फोर पाए बाय एन सैकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म माइनस टू पाए बाय एन, कि आ गया टू पाए बाय एन, आ थोड़े को डी आ गया, ठीक है, आ फर्स्ट टर्म तो आ लास्ट टर्म, तो की आऊगा कॉस ऑफ लाइक मैं सिर्फ एदा लिख रहा आ वाली टर्म बाद दिखा कि बंद है, पहला साइन की टर्म होंगी है साइन ऑफ, हाँ जी एन इंटू डी बाय टू डिवाइड बाय साइन ऑफ डी बाय टू इंटू कॉस ऑफ फर्स्ट एंगल, कि आ गया टू पाए बाय एन प्लस लास्ट एंगल टू पाए बाय एन इंटू एन माइनस वन डिवाइड बाय टू, ठीक है। सो इतने किन्ना होगा एन इंटू डी बाय टू,
समझेगा बेटे, एन नंबर ऑफ टर्म्स एन माइनस वन इन टू डी बाय टू विच इज़ पाई बाय एन एंड डी बाय टू इज पाई बाय एन, एक ऐसा सॉल्व करके कोई जीरो 90 वगैरह बढ़ना चाहिए। लेट्स सी कि आ रहा है, सॉल्व कर लिए, टू पाई बाय एन कॉमन कर लो, वन प्लस एन माइनस वन, वन कटा गया, एन कटा गया, दिस इज़ टू पाए, ठीक है, दिस इज टू पाए बाय टू कॉस पाए माइनस वन आ रहा है, ठीक है, चलो जीरो नहीं आया, इधर आंसर आ गया, आप पाए आ गया, कॉस पाए इज़ माइनस वन, ठीक है बेटे, तो दिस इज माइनस वन, एदी वैल्यू आ माइनस आ गया, ठीक समझ आएगा बेटे, कॉस वाई टर्म पूरा सम से जरा ये पूरा सम दो टर्म्स आई दें, कॉस थी, कॉस पाई माइनस वन आ गया, हम आ देखो किन्ने, दैट इज इक्वल टू साइन ऑफ एन, अंदर ले जाओ ये अंदर कि आ गया पाए माइनस पाए बाय एन, अगे आ माइनस पे साइन ऑफ पाए बाय एन, आ मैं की किया एन माइनस वन पाए बाय एन बेटे आ सारे इतने मल्टीप्लाई करता, दैट इज एन इन टू पाए बाय एन पाए माइनस दिस पाए बाय एन, साइन पाए माइनस थीटा साइन थीटा, सो ए साइन थीटा ही आ जाएगा, ठीक है, सो आ साइन पाए बाय एन आ गया, नीचे भी वही तो कटिया गया, आंसर कितना आ गया माइनस वन, तो आड़ी सीरीज है, इधर आंसर आ गया माइनस वन, तो अगे की सेगा हाफ एन माइनस वन एन माइनस वन, देयरफॉर दैट इज एन माइनस टू बाय टू, आ थोड़ा इस समेशन का आंसर आ गया, ठीक है बेटे, सो अगे तो समेशन साइन स्क्वेयर होवे समेशन कॉस स्क्वेयर होवे, अंदर का जो भी खिलारा उन तो ना डरया करो, मेन है कि पहला सीरीज पछाणो कि है, ठीक है, वो हिसाब में सवाल कर लेंगे, ठीक है, ओके, दिस इज अनदर क्वेश्चन दैट वॉज आस्क्ड, जिवें दस्या सी इस बार लेंदी सी पेपर 19 एडवांस का, हम देखो दो दो सीरीज है, लाइक पहला नीचे भी, अच्छा पहला ऑप्शन हटाइए, एदा जो भी आंसर आएगा ना वट एवर ये सॉल्व करके आएगा, बाद से आप ऑप्शन चैक करने जी हले थोड़े कोर्स तो बाहर है, लिमिट चैक करनी है, इनवर्स कैलकुलेट करना है, वैल्यू एटसेट्रा, तो असी एवें करते हैं जिन्ना असी कर सकते हैं कि पहला आप इन सॉल्व कर लीए, जिहड़े जिहड़े रिस्पैक्टिव चैप्टर पढ़ लाँगे उन्हां च ऑप्शनां भी चैक हो जाणगियां, सो हले जिहड़ा साडा ट्रिग्नोमेट्री दा कम है वह कर दें, सो इत्थे दो इक्वेशनज है, एक उपर दी समेशन सॉरी एक नीचे दी, तो नीचे वाली समेशन जिदा हुणे कॉस स्क्वेयर दी कीती है साइन स्क्वेयर दी, मतलब स्टैंडर्ड ए भी हो जाएगी, उपर वाली समेशन की है दो टर्म साइन दियां मल्टीप्लाई हुई हैं, तो की करांगे साइन दियां मल्टीप्लाई टू ना मल्टीप्लाई ते टू ना डिवाइड, टू साइन ए साइन बेज कॉस ए माइनस बी माइनस कॉस ए प्लस बी, सो अगेन ये भी दो समेशन बन जानी है कॉस दियाँ, सो लेट अस डू, ठीक है, तुहानू आप ही समझ आएगा भी किड्डा लंबा सी, ओके, पहला मैं डिनोमिनेटर सॉल्व कर देना, सो इन्हों लिख लो एन न्यूमिनेटर बाय डिनोमिनेटर, सो लेट अस सॉल्व फॉर डी, दैट इज समेशन साइन स्क्वेयर, अच्छा एक और काम करते हैं, पाए बाय एन प्लस टू पाए बाय एन प्लस टू पाए बाय एन प्लस टू, तो खिलारा कटाओ पाए बाय एन प्लस टू नू थीटा मान लो, लास्ट सपोर्ट कर देंगे, तो एक ना आ गया साइन ऑफ के प्लस वन थीटा, ठीक है, अद्धी टेंशन तो वही उड़ जाती है, बस स्टेटमेंट छोटी दिखे नहीं तो वही बंदा घबरा जाता, तो अगेन टू ना मल्टीप्लाई टू ना डिवाइड, सो टू साइन स्क्वायर थीटा इज हाँ जी वन माइनस कॉस डबल द एंगल टू के प्लस वन थीटा, ठीक है, समेशन कितों पुत्र जीरो टू एन, ठीक है, आ गया नंबर ऑफ टर्म कि एन के एन प्लस वन, एन प्लस वन क्योंकि जिते एक तो शुरू होंगे एक तो एन एन हो जाने से जीरो तो शुरू हो रहा, जिम्मे देखो ना मैं कह कि जीरो तो लाइक तीन, यद मतलब पहले एक जीरो वाली टर्म आएगी फिर एक वाली फिर दो वाली फिर तीन वाली, सो एक यदी बच जाएगी, सो अगर एन है तो एन प्लस वन टर्म्स हो जाएगी, सो नंबर ऑफ टर्म जी यदि आनी एन प्लस वन, तो इस करके हूँ मैं फटाफट अगर करा तो पहली ब्रैकेट वन आएगा, ठीक है, इदा ही दूजी भी वन आएगा, तो वन 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 कट्ठा कर लिए तो कि आ जाएगा एन प्लस वन, ये वन 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 कट्ठा कर लिया, दैट इज एन प्लस वन, जिन्होंने दिक्कत लग रही समझ तो सीरीज़ पढ़ लो कि वो बाद आ जाए भावें, फिर कॉस की टर्म्स आएगी वो की आएगा, पहला आर की वैल्यू जी आर है कि के है के है, ठीक है के जीरो पुट करो, ठीक है, आ समझ आया मैं जो लिखे पहली जीरो पुट करांगे पहला आ जीरो वाले आएगी प्लस फिर अगे दूजी ब्रैकेट आएगी तीजी आएगी, जो वन 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 से कट्ठा करके एन प्लस वन लिखता,
वन 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 किन्नी बार आएगा, जिन्नी ब्रैकेट्स है, किन्नी ब्रैकेट्स इन्नी टर्म्स है, टर्म्स किन्नी है एन प्लस वन, वो एन प्लस वन आ गई, फिर कॉस वाली इकट्ठियाँ कर लेंगे जस्ट लाइक द प्रीवियस क्वेश्चन। उस पहला के दी वैल्यू जीरो, किन्ना आएगा कॉस ऑफ के जीरो, हाँ जी आ टू थीटा प्लस कॉस ऑफ, हाँ जी के दी वैल्यू वन, ठीक है जीरो सीखना टू थीटा आ गया, इतने वन पुट करेंगे टू इंटू टू फोर थीटा, फिर हाँ जी इतने टू पुट करोगे टू प्लस वन थ्री इंटू टू कॉस ऑफ सिक्स थीटा, एंड लास्ट किन्ना आएगा एन पुट करोगे कॉस ऑफ टू इंटू एन प्लस वन थीटा। ये थोड़ी समेशन आ गई नीचे वाली, हुण आपां नूं नज़र आ रहा दिस इज़ द स्टैंडर्ड सम वी डिड, ठीक है। सो आपां इहनूं सॉल्व कर लईए, सो हाफ एन प्लस वन, हाँ जी नंबर ऑफ टर्म्स सानूं पता किन्नी है एन के एन प्लस वन, नंबर ऑफ टर्म्स वी लर्न दे आर एन प्लस वन, ठीक है, और कॉमन डिफरेंस किन्ना है फोर थीटा माइनस टू थीटा टू थीटा, आ डी आ गया, आ नंबर ऑफ टर्म्स आ गई। सो सम किन्ना होएगा साइन ऑफ नंबर ऑफ टर्म्स विच इज़ एन प्लस वन इन टू डी बाय टू, डी किन्ना टू थीटा बाय टू थीटा, डिवाइड बाय साइन ऑफ डी बाय टू, टू थीटा बाय टू थीटा इन टू कॉस ऑफ फर्स्ट एंगल टू थीटा प्लस लास्ट एंगल टू एन प्लस वन थीटा बाय टू, ठीक है। सो कट्टा जाऊगा, सो किन्ना आ गया थीटा प्लस एन थीटा प्लस थीटा, सो देर फोर थीटा इंटू एन प्लस टू, दैट इज एन प्लस टू टाइम्स थीटा, दिस इज योर डिनोमिनेटर। हुण बचा की है थीटा की वैल्यू पुट कर दो, थीटा की लिया सी पाए बाय एन प्लस टू, लेट अस प्लग हाफ, ठीक है एन प्लस वन साइन ऑफ, हाँ जी पाए वैल्यू वैल्यू पुट कर दो, हाँ जी कितना आएगा एन प्लस वन थीटा, ठीक है दैट इज पाए बाय एन प्लस टू, डिवाइड बाय साइन ऑफ पाए बाय एन प्लस टू, ठीक है इनटू कॉस ऑफ एन प्लस टू दैट इज पाए बाय एन प्लस टू, ठीक है। सो हुण की करना है सिंपलीफाई करना है, आते एन प्लस टू कटेगा कॉस पाए माइनस वन, ये तो आ जाएगा। अच्छा हुण देखो आई मीन दो एंगल है अननोन है तो की करिए, सम डिफरेंस चेक कर लो, है ना। आ देखो एन प्लस वन पाए बाय एन प्लस टू प्लस पाए बाय एन प्लस टू, हाँ जी कितना आ गया पाए बाय एन प्लस टू कॉमन काढ़ लो, सो देयरफॉर दैट विल बी इक्वल टू एन प्लस टू, तो इन्हों का सम पाए आ रहा है, याद है कि नहीं, ज़्यादा दस्या सी एंगल अननोन होन ते वी कैन चेक के सम डिफरेंस उपर वाले ते नीचे वाले दे एंगल दा सम पाए है, ठीक है। इहदा मतलब उपर वाला एंगल है वड्डा वाला उन्होंने ले लो पाए माइनस स्मॉल वन, समझ आ रही गल, वो पुरानी चीज़ा भी कम आ गई। सो देयरफॉर दिस एंगल द लार्जर वन कैन बी डन एज पाए माइनस पाए बाय एन प्लस टू, एंड वट इज साइन पाए माइनस थीटा पुत्र साइन थीटा, तो ए कट के वन आ जाएगा, कॉस पाए की वैल्यू माइनस वन माइनस माइनस प्लस वन, सो इफेक्टिवली इहदा आंसर आ गया एन प्लस टू बाय टू, दिस इज द आंसर ऑफ डिनोमिनेटर, ठीक है। हले आपां डिनोमिनेटर सॉल्व किया, हले न्यूमिनेटर ते करना है, ठीक है। सो मतलब जान के भी सवाल है कि सो दैट तुहानू पता होवे कि रियल टाइम के अंदर, मतलब मान लो एक चलो कॉन्सैप्ट भावें बच्चों नूं पता सी बट वो क्वेश्चन करना, हले आपां सिर्फ इत्थे आ कढ़िया फिर आपां आ भी सॉल्व करना है, ठीक है, एंड फिर डिवाइड करके एक्सप्रैशन फिर आप ऑप्शन मैच कराने ने, इस पेपर च लगभग सारे क्वेश्चन ऐसे लेंदे सी, होण वाले तो होंगे ही है आंसर तो आ ही जाता है, बट यही फर्क होंगे बेटे मेन से एडवांस का, एडवांस की है कि यू नीड टू पिक एंड चूज एंड डू एज मूव एज मैनी एज यू कैन करैक्टली, मेन्स की होंगे कि क्वेश्चन थोड़े सिंपलर लैवल पर होंगे बट उस भी सही करने गलतियाँ घट करनिया अपने अटैम्प्ट मैक्सीमाइज करना नर्वस होल्ड करते हुए, ठीक है, यही तो टास्क होंगे। बट इन्ना कि ये पेपर काफ़ी औखा मनिया गया सी, जिन्ने एक वार भी एडवांस होया ना अजे तक, सो ये 19 वाले पेपर नू क्योंकि पहला भी आते 18 17 16 जो मॉडरेट जे भी होंगे बहुत सिंपल भी होंगे, क्वेश्चन सिंपल सी बट लेंदी सी ज़्यादा, ठीक है। सो डिनोमिनेटर तुसी कैलकुलेट कर लिया कितना, डिनोमिनेटर हो गया तुहाडा एन प्लस टू बाय टू, ठीक है। सो हुण आपां इहदे न्यूमिनेटर ते आ जाइए, सो न्यूमिनेटर च की है बेटे फिर वंस अगेन पाए बाय एन प्लस टू नूं अगर थीटा मान लिया इत्थे ना
सो दिस इज़ व्हाट समेशन साइन ऑफ, हाँ जी व्हाट, के प्लस वन थीटा इंटू साइन ऑफ के प्लस टू थीटा। ठीक है, हम साइन स्प्लिट करने थे, टू ना मल्टीप्लाई थे, टू ना डिवाइड। ठीक है, सो कि ना जुगा जी टू साइन ए साइन बी, फटाफट हाँ जी कॉज ए माइनस बी डिफरेंस ले लो थीटा एंड माइनस कॉज ए प्लस बी दैट इज इक्वल टू टू के प्लस थ्री थीटा, फॉर्मूला लाया। और समेशन कितना पुत्र, के इक्वल टू जीरो टू एन, तो नंबर ऑफ टर्म फेयर किन्नी है बेटे, एन प्लस वन। ठीक है हाँ जी, अगेन एक्सपेंड कर दें। अच्छा लुक एट दिस, ज़्यादा एक्सपेंड करेंगे पुत्र समेशन नू, पहली ब्रैकेट क्या आएगा, ए के दी टर्म ही नहीं है, के दी टर्म तो कली ए तो ए जो हैगा उही आ जाएगा, तो एक किन्ना आएगा कॉस थीटा माइनस के दी वैल्यू जीरो पुट करो, हाँ जी कॉस ऑफ थ्री थीटा, हाँ जी फिर के दी वैल्यू वन आते कॉस थीटा ही रहेगा है ना, हाँ जी के दी वैल्यू वन कॉस ऑफ फाइव थीटा। ठीक है, फटाफट समेशन खोल दो, फिर कॉस थीटा माइनस कॉस ऑफ सेवन थीटा सो ऑन, लास्ट कित तक जाएगा एन तक, इतने कॉस थीटा माइनस कॉस ऑफ, हाँ जी टू एन प्लस थ्री थीटा। ठीक है, अगेन हूँ जस्ट लाइक प्रीवियस क्वेश्चन, पिछले क्वेश्चन थे वन 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 सेगा, सो कॉस थीटा प्लस कॉस थीटा दो है तो दो कॉस थीटा आ गया, थ्री कॉस थीटा तो किन ब्रैकेट से बेटे एन प्लस वन, तो किन्ना आएगा एन प्लस वन इंटू कॉस थीटा, बाकी एना चो माइनस कॉमन आ रहे है ना, दूजे दूजे टर्म तो माइनस कॉमन, तो की बचा कॉस ऑफ थ्री थीटा प्लस कॉस ऑफ फाइव थीटा, ये हूँ फिर उस सीरीज बन गई बेटे ए पी वाली कॉस ऑफ सैवन थीटा। ठीक है, मतलब उन्हें सवाल बनाया से कि बंदा घरों बेला आया भी अज एक ही सवाल कर पाई तू। ठीक है, बट चलो असी सीखते पे हैं इस वेले, असी इनफैक्ट करते पे फॉर द सेक ऑफ लर्निंग। ठीक है, जरूरी नहीं है कि उत्थे यही वेखना होंगे कि कड़ा क्वेश्चन करना कि छड़ना, तो ये सिर्फ फॉर द सेक ऑफ लर्निंग है, अगे तो जरूरी नहीं कि क्वेश्चन कलैक्टिवली इदा आवे, बंट के भी आ सकता कोई एक छोटा एज अ सब पार्ट भी आ सकता है, सो यू शुड नो। हाँ जी, हूँ आनू सीरीज आ गई, फिर डिफरेंस किन्ना है, फाइव थीटा माइनस टू थीटा थ्री थीटा टू थीटा डिफरेंस है, नंबर ऑफ टर्म्स एन प्लस वन है, कॉस दी सीरीज है, तो यदा आंसर की आऊगा। ठीक है हाँ जी, की आंसर आऊगा यदा, मैं फिलहाल सिर्फ इनू सॉल्व कर रहा इस सीरीज़ में, हाँ जी की होगा साइन ऑफ नंबर ऑफ टर्म्स होंगे विच आर नथिंग बट एन प्लस वन इंटू डी बाय टू, कॉमन डिफरेंस किन्ना बेटे फाइव थीटा माइनस टू थीटा थ्री थीटा टू थीटा सेवन माइनस फाइव टू, सो डी इज टू थीटा, एन इंटू डी बाय टू, डी बाय टू इज थीटा, डिवाइड बाय साइन ऑफ डी बाय टू थीटा इंटू कॉस ऑफ फर्स्ट एंगल प्लस लास्ट एंगल बाय टू, सो दैट कम्स आउट टू बी टू एन प्लस सिक्स थीटा बाय टू एन प्लस थ्री थीटा। ठीक है, ये फर्स्ट प्लस लास्ट एंगल बाय टू करके आ गया, हूँ की करिए आप, यदि वैल्यू है हूँ आप थीटा की वैल्यू प्लग कर दिए, किसी थीटा की वैल्यू पाए बाय एन प्लस टू। ठीक है, साइन ऑफ इतने पुट कर दिए पाए बाय एन प्लस टू, एन प्लस वन बाय एन प्लस टू इंटू पाए बाय साइन ऑफ एन प्लस सॉरी पाए बाय एन प्लस टू, इंटू कॉस ऑफ एन प्लस थ्री इंटू पाए बाय एन प्लस टू। ठीक है, सिक्स ठीक है, ओके हूँ अगेन आ सारे अननोन जे एंगल है, तो की करिए करना की सॉल्व करांगे, हाँ जी सम डिफरेंस चेक करो इन्हों का, सो एन प्लस हाँ सम फिर आ रहा है एन प्लस वन बाय एन प्लस टू, इन्हों दोनों का सम बेटे एदा प्लस एदा। ठीक है, सो कितना आ रहा एन प्लस टू बाय एन प्लस टू पाए, सम इन्हों का पाए आ रहा, तो जो वड्डा वाला एंगल है इनू लिख देंगे पाए माइनस द स्मॉलर। ठीक है, एंड साइन पाए माइनस थीटा इज साइन थीटा, तो यदि वैल्यू तो कट्टी गई। ठीक है, बड़े एंगल होन तो सम डिफरेंस चेक कर लो, फिर आ गया आ वाला, एदा की करिए हूँ, नीचे किन्ना है एन प्लस टू, उपर है एन प्लस थ्री, तो इनू लिख लीए एन प्लस थ्री नू एन प्लस टू प्लस वन। ठीक है, इत्थे पिया पाए डिवाइड बाय एन प्लस टू, एन प्लस टू तो एन प्लस टू, सो दिस इज इक्वल टू कॉस ऑफ, हाँ जी एन प्लस टू बाय एन प्लस टू किन्ना आ गया वन प्लस
वन बाई एन प्लस टू इंटू पाई, देट फॉर दैट इज इक्वल टू कॉस ऑफ पाई प्लस थीटा टाइप आ गया, ठीक है। व्हाट इज कॉस पाई प्लस थीटा? दैट इज माइनस कॉस थीटा, माइनस कॉस ऑफ पाई बाई एन प्लस टू। ए बेटे कि आंसर आ गया, ए आंसर आया एस सीरीज का, ठीक है। सो कि आंसर है बेटे माइनस कॉस ऑफ पाई बाय एन प्लस टू। हूँ मैं रब कर रहे हैं, ठीक है। सो लेट अस प्रोसीड। ओके सो हाँ जी कि आ गया हाफ एन प्लस वन, कॉस थीटा कि सी पाई बाय एन प्लस टू, और ये आंसर कि आया सी माइनस कॉस ऑफ पाई बाय एन प्लस टू, ठीक है। सो ए न्यूमिनेटर है, याद है ये है कि रहा है न्यूमिनेटर सॉल्व कर रहे हैं। सो अ कॉमन आ गया। सो एन प्लस वन माइनस वन कॉस ऑफ पाई बाय एन प्लस टू आ कटा गया। सो ए आंसर आ गया एन बाय टू टाइम कॉस ऑफ पाई प्लस एन बाय टू। इतने मैंने लगता गलती हो गई अपने को लोगों। हाँ मिस्टेक इतने हुई है बेटे कि इतने माइनस सी तो इतने प्लस आऊगा ना बेटे, यदा आंसर माइनस के नाल सी तो अगे माइनस ऑलरेडी है तो माइनस माइनस प्लस तो कट्टूगा नहीं प्लस आ जाएगा, ठीक है। बेग यू पार्डन फॉर दैट माई बैड। सो एक ना आ जाएगा एन प्लस टू बाय टू इंटू कॉस ऑफ पाई बाय एन प्लस टू, दिस कम्स आउट टू बी दी न्यूमिनेटर। तो साडा जो एक्सप्रैशन पूछी सी जो आप सॉल्व कर रहे हैं जिदे वास्ते, दैट वॉज न्यूमिनेटर बाय डिनोमिनेटर, और डिनोमिनेटर कितना सी बेटे एन प्लस टू बाय टू। सो कट के जिहड़ा तुहानूं सवाल पूछा सी एफ एन वो किहदे बराबर आ गया कॉस ऑफ पाई अपॉन एन प्लस टू। सो बाकी जिहड़े चार ऑप्शन से उस एन दियाँ वैल्यूआं जो भी पुट करनी है वट एवर वो सीगा। सो बेसिकली सारा जिहड़ा ये पार्ट सी इत तक आ गया तुहाडे कोल, ठीक है। सो यू कैन अंडरस्टैंड कि इहो जिहे इस करके बहुत इंपॉर्टेंट हुंदा है कि जिहड़े जद तो कोई भी पेपर होवे भावें मेन्स है भावें एडवांस है, हमेशा पहला पढ़ना बनता है भी किहड़े क्वेश्चन में करने हैं, क्योंकि ईवन मेन्स भी कई बार हो जाता दे पुट सम, इन्नी लेंदी नहीं बट दे पुट सम लेंदी क्वेश्चन। हुण मतलब तुसीं उत्थों शुरू करो और तुहाडा टाइम खत्म हो जाए तुसीं उत्ते टाइम खर्च कर लिया तो दैट दैट मेक्स नो सेंस। तो इट इज़ ऑलवेज इंपॉर्टेंट टू पिक द प्रॉब्लम्स इन द बिगनिंग सो दैट, क्योंकि देखो आसान क्वेश्चन के भी नंबर उन्ने ही है तो औखे के भी उन्ने ही है, ठीक है। इस करके पहला वो करने चाहिए जेडे ईजी है जेडे शॉर्ट है, ठीक है। सो बाकी फिर नेक्स्ट क्लास चलेंगे पुत्र।